सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं जो ट्रीटमेंट ले रहा हूं हेयर का डॉक्टर बत्रा के पास, उसका कितना कॉस्ट मेरा आया, कितना कॉस्ट आता है, डॉक्टर का चार्ज क्या है और प्रोडक्ट का चार्ज क्या है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि कई सारे लोगों का कमेंट आया था, उन्होंने पूछा कि इसका प्राइस क्या है, कितना पैसा लगेंगे और कितना कॉस्ट है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा कितना कॉस्ट अभी तक लगा है और कितना लगेगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि मैं जब गया, जाने से पहले आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक किया, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उसके लिए आपको डॉक्टर बत्रा की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ से नंबर मिल जाएगा इजिली। तो वहाँ से नंबर लेके आप कॉल करोगे, आपको जिस डेट में चाहिए, जिस दिन चाहिए, आप अपने हिसाब से आप बता के अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और कंसल्टेंट से मिल सकते हो। आपको वो लोग बताएंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, आपके बालों में क्या कमी है और कितने दिन तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, कितने दिन तक मेडिसिन खाना पड़ेगा और कितना पैसा लगेगा, ये सब बताएंगे। तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुझे ट्रीटमेंट लेना है, नहीं लेना है, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं लगता पैसा, 199 रुपये शायद लगा था मेरा, या 149 रुपये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया, मैं कंसल्टेंट से मिला और सब कुछ बताने के बाद मेरा चेक किया गया। आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे ना तो आपका उसी वक्त वो लोग एक माइक्रोस्कोपिक वीडियो करके एक डिवाइस आता है, उससे पूरा बाल के ऊपर डालेंगे और डाल के चेक करेंगे, तो आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा कि हाँ मेरे बालों में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से बाल गिर रहे हैं। तो वो लोग उसी पैसे में हो जाएगा, अपॉइंटमेंट जब बुक करोगे तो उसी में वो लोग चेक भी कर लेते हैं और फिर बताएंगे आपको क्या करना है। तो मेरा जो है, मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया, मेरा भी चेक किया उन्होंने, और उसके बाद मैं देखा कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि आपके बालों में बहुत सारे डैंड्रफ हो गए हैं और डैंड्रफ की वजह से एक लेयर बन गया है जिसकी वजह से आपका बाल गिर रहा है। तो मैंने बताया कितने दिनों से गिर रहा है, मैंने क्या क्या प्रिकॉशन लिया है, क्या क्या मेडिसिन लिया है, सब कुछ बताया मैंने उनको। और मेरा जेनेटिक तो नहीं है, आप क्या खाने में ले रहे हो, डाइट कैसा है, ये सब कुछ आपको पूछेंगे वो लोग, तो आप उस हिसाब से बताओगे। तो मेरा जो कंसल्टेंट ने बोला कि आपको कम से कम एक साल तक तो चलेगा ही मेडिसिन, आपको एक साल तक मेडिसिन खाना पड़ेगा, एक साल तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको सोचोगे कि एकदम से रिजल्ट दिख जाए तो ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि होम्योपैथिक में टाइम लगता है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, एक साल तक मैं ट्राई कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिजल्ट दिखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको एक साल तक मेडिसिन खाना पड़ेगा, होम्योपैथिक दवा खाना पड़ेगा आपको, क्योंकि होम्योपैथिक में आप सोचोगे कि दो महीना में, एक महीना में रिजल्ट दिख जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा 3 से 4 महीने के बाद। तो 3 से 4 महीने के बाद आपका रिजल्ट देखना शुरू होगा, और वहां से फिर धीरे 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 जो है आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा और आपका जो बालों की जो सुधार है वो धीरे धीरे वहां से चालू हो जाएगी, आपकी डैंड्रफ वगैरह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और फिर उन्होंने बोला कि आपको जो पैसा लगेंगे वो 21,000 रुपये देना पड़ेगा। सो 21,000 में आपका सिर्फ मेडिसिन मिलेंगे, हर महीने आपको आना है और होम्योपैथिक दवा लेके जाना है। तो होम्योपैथिक दवा हर महीने जाके लेता हूँ मैं, और उसके साथ मुझे एक डैंड्रफ फ्री जो पाउडर आता है, जिसको दही में मिला के लगाते हैं, वो भी मिला है, तो वो भी मिलता है। और उसके साथ ही मुझे हर 15 दिन पे जो थेरेपी है बालों पे, एक कैप जैसा रहता है, उसको लेजर थेरेपी टाइप का है कुछ, तो वो लेजर के थ्रू थेरेपी होता है 20 मिनट, तो वो हर 15 दिन पे मैं वो भी लेता हूँ। तो ये तीन चीज हमको 21,000 में एक साल तक कंटिन्यू मिलेगा, मतलब मेडिसिन हो गया, पाउडर हो गया और थेरेपी हो गया, ये तीन चीज हमको कंटिन्यू एक साल तक मिलेगा उस 21,000 में। उसके बाद आपको शैम्पू, कंडीशनर और सीरम ये भी लेना है। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर से भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर यहाँ से लेते हो तो हम लोग बालों के हिसाब से देते हैं। तो मैंने बोला बाहर से नहीं लूंगा, मैं आपके पास ही ले लेता हूँ, आप ही दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसका एक अलग से चार्ज लगेंगे। तो उसका जो चार्ज है, जिसमें एक शैम्पू है, सीरम है और कंडीशनर है, तो उसका जो चार्ज है, मैंने आई थिंक 1100 रुपये दिए थे, 1100 रुपये आई थिंक दिए थे, मतलब 1100 के करीब में मैंने दिया था। तो उसको भी मैंने ले लिया, उसका अलग चार्ज है। तो वो जो प्रोडक्ट है आपको हर 2 दिन 3 दिन पे लगाना होता है, तो आपको इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है, कम से कम 2 महीना तो जाता ही है।
तो 2 महीना तक मेरा 2 महीना होने वाला है, तो 2 महीना तक अभी तक मतलब खत्म नहीं हुआ है, मुझे लगता है 2 महीना होते होते खत्म हो जाएगा। तो वो प्रोडक्ट एक बार लोगे आप 1100 में तो आपको 2 महीना तक चल जाएगा। तो ये दो चीज हो गया, ये जो कि आपको प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, और तीसरा जो चीज है वो है न्यूट्रिशन। तो वो लोग सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर ने सजेस्ट किया मुझे, जब मैं डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है, आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो हमारे पास एक न्यूट्रिशन भी आता है जो कि बालों के हिसाब से हम लोग जो चेक करते हैं उस बालों में क्या कमी है, उस हिसाब से न्यूट्रिशन हमारे हर तरह के हमारे पास न्यूट्रिशन है। सो एक पाउडर फॉर्म में जो सप्लीमेंट जैसा होता है, प्रोटीन जैसा होता है, तो मैं वो भी लेता हूँ गर्म पानी में करके। डेली आप 2 स्कूप ले सकते हो, वो भी आपका 1 महीना चल जाएगा, और या फिर दूध में भी ले सकते हो। तो इस तरह से मेरे को मिला है, तो टोटल मिला के 21,000 मेडिसिन का और 1100 रुपये प्रोडक्ट का, जो कि शैम्पू सीरम और कंडीशनर आता है उसमें, और फिर न्यूट्रिशन का 1,000 रुपया, 999 दिया था मैंने, तो 1,000 रुपया पकड़ लो, तो 1,000 रुपया न्यूट्रिशन का। सो टोटल हो गए आपका 1,000 रुपया प्रोडक्ट, 1,000 रुपया न्यूट्रिशन, 2,000 रुपया ये हो गया, और 21,000 रुपया मेडिसिन का हो गया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, 21,000 रुपया नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, 21,000 रुपये एक बार नहीं दे सकते, तो आप मंथली भी पे कर सकते हो ईएमआई के जैसा, मतलब ईएमआई तो नहीं है, ईएमआई के जैसा, जिससे आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे हर महीने पे कर सकते हो, आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने एक बार पे नहीं किया है, मैंने क्रेडिट कार्ड से ही लिया है, तो हर महीना 1,750 रुपये मेरे जाते हैं उस मेडिसिन में। तो 21,000 रुपये एक साल का हुआ, और हर महीना 1,750 रुपये आप जोड़ोगे तो 21,000 ही होगा। सो मेरा उस तरह से कटता है, मैंने एक बार नहीं दिया क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, 21,000 रुपया, तो मैं नहीं दे पाया। तो ये मुझे काफी इजी लगा, एक बार में अगर पैसा नहीं तो आप हर महीने दे सकते हो, तो मैंने भी वैसे ही किया। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको भी 21,000 ही देना पड़ेगा, अगर मुझे 21,000 रुपया लगा तो जरूरी नहीं है कि आपको भी 21,000 ही लगेगा, आपको कम भी लग सकता है, उस हिसाब से लगेगा कि आपका ट्रीटमेंट कितना दिन तक चलेगा, कब तक चलने वाला है, उस हिसाब से वो लोग सजेस्ट करेंगे कि आपको 6 महीना तक ट्रीटमेंट लेना है या 8 महीने लेना है या 1 साल लेना है, उस हिसाब से पैसे मतलब वो लोग बताएंगे। तो मेरा 1 साल का था इसलिए 21,000 लगा, और मतलब काफी सारे ऑफर भी आते रहते हैं, जैसे कोई फेस्टिव हो गया या कुछ हो गया था, किसी के 18,000, किसी का 19,000, किसी का 16,000, ऐसा भी होता है। तो इस तरह से भी मतलब कई सारे ऑफर आते रहते हैं उसमें, ऐसा मैं देखा हूँ। तो मैं जब था उस टाइम कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मुझे 21,000 रुपये लग गए, जिसका जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से पैसे लगेंगे। सो टोटल 23,000 रुपये हो गए, तो 21,000 तो 1 साल का हो गया, और जो प्रोडक्ट है हर 2 महीना पे खत्म हो जाएगा, तो आपको उस टाइम 1,000 रुपया लगेगा। आप चाहे तो बाहर से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहां से भी लोगे, लेकिन मैंने वहां से लिया, मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर एक ही जगह से सब कुछ लेते हो तो उस हिसाब से वो लोग देखते हैं, तो ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर रहता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, और जो प्रोडक्ट है वो डॉक्टर बत्रा का ही है, जो शैम्पू सीरम और कंडीशनर है वो भी डॉक्टर बत्रा का ही है, और जो न्यूट्रिशन है वो भी डॉक्टर बत्रा का ही है, इसके लिए ज्यादा बेटर लगा कि मैं यही ले लेता हूँ, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से देंगे, और बाहर से मैं लूंगा तो कैसा रहेगा नहीं रहेगा, सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए मैंने वहीं से ले लिया। सो गाइस मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, अभी 1.5 महीना ही हुआ, 1.5 महीना 2 महीना होने वाला है, तो मैं अभी कुछ रिजल्ट के बारे में नहीं बोल सकता कि मेरा क्या है, जैसे जैसे आगे आगे मैं अपना ट्रीटमेंट लूंगा और मेडिसिन खाऊंगा तो फिर मुझे पता चलेगा, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा है तो ज्यादा टाइम लगता है। सो यही सी बात है, मैं एकदम से आपको नहीं बोल सकता कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मुझे लगा कि अगर मेरे बाल वाकई में ठीक हो जाएंगे, मेरे हेयर लॉस प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो क्यों ना मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, भले ही पैसा लग रहा है बट ठीक होना चाहिए, अगर ठीक हो जाता है, अगर पैसा कितना भी लग रहा है तो ये ज़्यादा जरूरी है कि मैं ठीक कर लूँ, क्योंकि बाल जो है बचाना बहुत जरूरी है। सो मुझे लगता है कि ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, पैसे तो आते जाते रहेंगे चाहे इधर से उधर से कैसे भी करके। मैंने सोचा कि चलो मैं कर ही लेता हूँ, ट्रीटमेंट ले ही लेता हूँ, हर जगह देख लिया, यहाँ पर भी देख लेता हूँ। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे भी अपडेट देता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि मेरा कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज कर रहा हूँ। सो चलो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।